नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से छूट गए। अनंत सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है उन्हें ना किसी ने फंसाया है और ना बचाया है। उनके मामले में आईपीएस लिपि सिंह दोषी हैं और उनको सजा दिलाने के लिए वो केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि AK-47 मामले की वह सीबीआई जांच की मांग करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में अनंत सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यह मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्र के लोग चाहेंगे वह कुछ भी कर सकते हैं, यानी उन्होंने चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं होगा। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, पर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तित्व के धनी हैं और यही कारण है कि वह इतनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। न्यूज 18 से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के अलावा अनंत सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी। पूर्व विधायक अनंत सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। के बाद सुबह 5:10 पर पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह देउर जेल से बाहर निकले थे और पटना से लेकर लखीसराय तक हर एक मंदिर में गए, भगवान की पूजा की और इसके बाद वो समर्थकों से लगातार घिरे रहे। पटना से लखीसराय तक हमने देखा, आप हर मंदिर में गए, भगवान माँ जगदम्बा के मंदिर में भी गए लखीसराय। गहरी आस्था है माँ जगदम्बा के मंदिर में आपके? हाँ। तो बचपन से ही जाते थे या अभी जा रहे हैं? उम्र बढ़ने हम बच्चे जाते हैं लखीसराय। देखो वहाँ पर तो भगवान से क्या आपने आज पूजा अर्चना की, क्या मांगा आपने भगवान से? हमारा कुल खुश रहे, पूरा हम भी खुश रहे। हमने देखा हजारों की संख्या में लोग थे, आपके प्रति काफी प्रेम दिखा, आपका भी प्रेम दिखा। आपने एक बयान में कहा कि जनता अगर कहे तो हम कुएं में कूद जाएं। इस प्रेम का क्या मतलब है, क्या राज है इस प्रेम का? इसमें राज का क्या मतलब है जी, या फिर आज बता दीजिए हमको, तो जान जाएंगे, तब आगे दिन से बता देंगे आपको। आपके लिए लोग जान तक देने के लिए तैयार थे। हमने देखा कई कट्टर समर्थक हमने कि हम मानते हैं, वो भी मानते हैं। ये केवल एक वोटर का और विधायक का रिश्ता नहीं रहा है, ये अपनापन का रिश्ता है। हमारा घर ने है जी। हम सब दिन से जुड़ल है, विधायक तो आई बने पांच बने, और पहले से हम जुड़ल थे जनता से। अब जबकि अब जेल से बाहर निकल गए हैं, कल तक जेल में थे, वहाँ की दिनचर्या अलग थी, अब दिनचर्या क्या होगी? अपने घर पर रहेंगे? अपना घर पर रहेंगे। तो किस तरीके से फिर पहले की तरह जिंदगी जियेंगे जो पहले जीते थे जेल के बाहर? मतलब दिनचर्या, एक्सरसाइज करना, घर का नाश्ता, घर का भोजन, हाँ सब होते रहेगा जी। तो अब समाज सेवा किस रूप में करना चाहेंगे? राजनीति में भी आने की दिलचस्पी बची है अब? नहीं बची है, नहीं जी। तो मैडम ही फिर 2025 का नीलम जी चुनाव नहीं जानते हैं जी, उस विषय में हम सोचे नहीं किए। तो जनता की राय है कि विधायक जी के रूप में एक बार फिर आप जनता की सेवा करें, तो आप सेवा करेंगे? जनता भगवान जो कहेगा वो करेंगे, तो पहले बोल चुके हो जी। जी, तो जनता अगर कहेगी तो आप फिर से विधायक बनेंगे? हाँ जी। जब पचपच हो चुके हैं, अपना इच्छा नहीं है जी, आपकी इच्छा अब नहीं बचना है। एक चीज और है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। अनंत जी को उन्होंने फंसाया और बचाया, वो कर बातचीत में आप ही लोग रहिए, उस सबको हम बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, आपको लगता है अच्छे आदमी है नीतीश कुमार? ऐसी जनता मुख्यमंत्री बना रहा इतना दिन से, कोई दब रहेगा तो इतना दिन नहीं चलेगा, अच्छे चलता है इतना दिन। अनंत सिंह बराबर अपने को कहते रहे कि हम बेकसूर हैं और आखिरकार साबित हो गया कि आप बेकसूर हैं, आपको गलत मामलों में फंसाया गया था। हाँ जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब निपी सिंह दोषी हुआ, हम जब निर्दोष हो गया तो निपी सिंह दोषी हो गया। सीबीआई से हम जांच मांगे हैं कि जांच कर दे, दिल्ली सरकार से भी मांगेंगे, बिहार सरकार से भी मांगेंगे। एक जनप्रतिनिधि हो, जांच होना चाहिए जी। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप पत्र भी लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज 18 से। अनंत सिंह जी, इन्होंने कई बातों पर अपनी दो टूक सहमति जताई और उन्होंने कहा कि वो बेकसूर थे, पहले भी कहते रहे हैं, और आज जबकि कोर्ट का जो आदेश आया है इसमें साबित हो गया है कि वो बेकसूर है। हालांकि राजनीतिक पारी क्या होगी, राजनीतिक कदम अगला क्या होगा, फिलहाल उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, बहुत कुछ अपने क्षेत्र की जनता पर छोड़ा है। जनता जो तय करेगी अनंत सिंह वही करेंगे, और लिपि सिंह को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती की है, उन्हें बेवजह फंसाया गया है। और एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि इस मामले में उनकी विधायकी भी चली गई थी लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती है, अब उन्होंने कहा कि वो पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को भी और लिपि सिंह के लिए सजा की मांग करेंगे।
कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बार पटना।